बच्चों ध्यान दें, आज हम लोग क्लास सेवेंथ का 9वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दीज सिंपल थिंग्स, यानी ये साधारण चीज़ें। तो इस पोएम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि ये साधारण चीज़ें कौन कौन सी है। इसके पहले थोड़ा सा हम वर्ड मीनिंग पर ध्यान दे देंगे। इस चैप्टर के साथ वर्ड मीनिंग को भी लिख दिया गया है बच्चों। तो आइए हम देखते हैं कविता के माध्यम से ये साधारण चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहला लाइन कहता है, दीज सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, जीवन के ये साधारण चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सबसे अच्छी है। ए पीच ऑफ ग्रीन, एक जमीन का टुकड़ा, पीच मिस होता है जमीन का टुकड़ा, ए पीच ऑफ ग्रीन जमीन का टुकड़ा, ए स्मॉल बर्ड्स नेस्ट एक छोटी चिड़िया का घोंसला। आगे कहता है, ए ड्रिंक ऑफ वाटर यानी पीने का पानी, और वह पानी कैसा होना चाहिए, फ्रेश एंड कूल, फ्रेश और कूल जो है पानी होना चाहिए, तब वह क्या होगा, ए ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कूल, ठंडा पानी हो, फ्रेश हो, ये हमारे जीवन की बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। आगे कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दी टेस्ट ऑफ ब्रेड यानी रोटी का स्वाद, रोटी कैसा लगता है इसका स्वाद, ये सॉन्ग ऑफ ओल्ड कह रहा है बूढ़े व्यक्ति का गीत, ये सारे चीज़ें जो है, ये साधारण चीज़ें जो है, ये बहुत अच्छी हैं हमारे लाइफ की। आगे आइए, आगे देखिए लेखक क्या बताना चाह रहे हैं। कहते हैं, दीज आर दी थिंग्स डेट मैटर मस्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अधिकतम महत्व की है। दीज आर दी थिंग्स डेट मैटर मस्ट यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो अधिक महत्व की हैं। तो आइए देखते हैं वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अधिक महत्व की हैं। आइए, दी लाफ्टर ऑफ ए चाइल्ड, बच्चों का खिलखिलाना, बच्चों का हंसी, बच्चों का खुशी। आगे कह रहा है, ए फेवरेट बुक मनपसंद किताब यानी अपना प्रिय बुक। आगे कहता है, ए फ्लावर्स ग्रोइंग विल्ड यानी खुला खुला खिलता हुआ फूल, कह रहा है कि आसमान के नीचे स्वतंत्र रूप से खिलता हुआ जो फूल है उसके बारे में बता रहा है कि ये हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आगे कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट, ए क्रिकेट सिंग इन ए सैडी नोक्स, यहाँ क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर, बच्चों ध्यान दीजिएगा। बताया है कि छायादार जगह के कोने में गाता हुआ झिंगुर, गुनगुनाता हुआ झिंगुर, अपनी आवाज़ से वहाँ के वातावरण मीठा करता हुआ झिंगुर, कह रहा है ये बॉल डेट बाउंसर हाई, ऊंचे लुढ़कता हुआ कूदता हुआ गेंद, इस चीज़ को कह रहा है। आगे कह रहा है बच्चों, ये समर स्वर गर्मी के मौसम की फुहार, गर्मी के मौसम की हल्की बरसात। आगे कह रहा है, ये रेनबो इन दी स्काई आकाश में टंगा हुआ, आकाश में लटका हुआ इंद्रधनुष। आगे कहता है कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ए टॉच ऑफ ए लविंग हैंड, प्रेम से सहलाता हुआ हाथ, प्रेम से स्पर्श करता हुआ हाथ, एंड टाइम टू रेस्ट और आराम करने का जो समय है, ये हमारे जीवन की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आइए सबसे अंतिम पंक्ति देखते हैं बच्चों, लिखा है दीज सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, जीवन की ये साधारण चीज़ें सबसे अच्छी है। ये कविता के माध्यम से हमने सीखा कि कौन कौन सी वो चीज़ है जो साधारण होते हुए भी हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।